सैयद अदा ने फरमा दिया अद्धी रातों रात डली। अचानक मेनू ख्याल आया कि जंगल भी अबाने ते साडियां लाशां उंजी जंगल दे विच बिखरियां पड़ियां ने, ते किधरे कोई जंगली जानवर आके ते साडियां लाशां दी बेअदबी ते बेहुरमती ना कर देवे। अद्धी रात दा वेला सैयद ज़ैनब ने मौला अली दी तलवार पकड़ी, ओ जड़ी मामे हुसैन दी तलवार से एक एक करके ना ते अली दी बेटी ने सारियां लाशां जमा कीतियां, 72 लाशां दा ढेर लग गया। उस औरत दा हौसला वे, 72 लाशां दा ढेर लगाया अली दी बेटी ते हुसैन दी बहन, तलवार पकड़ के ना ते आप पहरा पईयां दे रही। अचानक फरमा दिया मैंने एक साया जा नजरी आया ते वेख्या ते एक शुतर सवार आ रहे, वेख के फरमा दिया वे आने वाले आवे जरा ध्यान ना लावे मैं अगे मुहम्मद दे शेर सुते होए ने। उन्हें करीब आके ना ते इसरा दो निकिया निकिया लाशां वल पुछे, कहंदा लाशां किहदियां ने? फरमा दिया मैं परदेसां दे पुत्रां दियां लाशां। उन्हें पुछे ओ लाश किहदी है? फरमा दिया मेरे वड्डे वीर हसन दे पुत्र कासिम दी लाश। उन्हें पुछया ओ लाशां किहदियां ने? दो फरमान लगिया मेरे वीर हुसैन दे पुत्रां दी लाशां ने। उन्हें पुछया ओ कौन है जिहड़ा नेदे दी नोक ते कुरान पिया पढ़दा है? फरमा दिया मैं दुखी दा वीर हुसैन। उन्हें आख्या ओ जिहड़ा मदीने वाला हुसैन सी? चीख निकल गई ते रो के फरमा दिया कदे हुंदा सी मदीने वाला, हुण तक कयामत तक करबला वाला हुसैन बन गया है, हुण तक करबला वाला हुसैन हो गया। पर नकाब पोश टुरिया ना, आवाज दे के फरमान लगी वे आने वाले मैं तू सारा कुछ पूछा ही जानी वाली दस जाना तू कौन है? उन्हें नकाब हटाया फरमाया तू गरीब दा नाना बचीड़ी तेरा पैरा देखने आया, उस वेले किथे सैनाना जदों असगर गया तरहा या सैयद ज़ैनब रो के नाने दे कदम फड़ ले, अर्द कर दिए नाना हुन आए हो हुन ते मेरी सारी दुनिया उजड़ गई है। अर्द की थी नाना जान इना जालमा बड़े जुलम की देन है, मेरे नान मेरे इमाम मेरे नबी ने सीने लगाया। फरमाया बेटी रो ना मैं हुन नहीं आया, मैं ते सवेर दकर बला च मदीने होया गया। अर्द की थी नाना जुलम सारे देखे जाने, फरमाया नहीं दिए रोवी ना मैं ते वेखन आया सा इम्तिहान लैन वाला किवें लैंदा, इम्तिहान देन वाला किवें देंदा। रात गुजरी जिवें गुजरी, ओ रात सी जिहड़ी करबला वाले ते सब तो औखी ते डांडी रात सी। ਇਹ ਹੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਊਂਟ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ 12 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਲਈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲਨ ਖੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਬਦਬੂ, एक यजीदी ज़ालिम ने आखे ना कि मामे ज़ैनुल आबेदीन नु कोड़ा मारिया, ते कोड़ा मार के कहन लगा तू दस्या क्यों नहीं सी कि तुहाडा कोई ऊंट बीमार है? ज़बा करके गोश्त बनाया, खल उतारी, सालन बनाया तो सारा खून बन गया, सारी मेहनत ज़ाया हो गई। इतने बड़े 22,000 दे लश्कर नु खाना खिलाना तू दस्या क्यों नहीं तेरा ऊंट बीमार है? इमाम ज़ैनुल आबेदीन फरमान लगे मेरा तो कोई ऊंट बीमार नहीं। आपने फरमाया जालमा केड़ा ऊंट ज़बह कीता? कहन लगा ओ जड़ा कितारे च पंजवें नंबर ते सी। इमामे ज़ैनुल आबेदीन दी चीख निकल गई, रो के फरमान लगे ओ जालमा नु क्यों ज़बह कीता? ओदे ते ते बह के मेरा वीर अकबर मदीने आया सी। सैयद ज़ैनब फरमान लगी पुत्रा इन्हां जालमा नु कह दे साडे इम्तिहान मुक गए ते तुहाडे शुरू हो गए जे,
तुसा सानू जितना ज़बा करना सी वो कर लिया। हुण 10 मुहर्रम गुजर गई, हुण ज़बा होण दीआं वारियां तुहाडीआं आ गईआं। अल्लाह दी कुदरत दी दलील बदल गई। रब ने हुण हुसैन तक कुछ जानवर भी ज़बा नहीं जे होण देना। हुण वारियां तुहाडीआं आ गईआं, साडे इम्तिहान मुक गए, असां इम्तिहान पास कर लिया। तीन दिन यजीद करबला के मैदान चले, इन्हें जालमा अपनी लाशा से दफन कर लिया, मगर इमाम हुसैन आप के पुत्रां ते रुफका दी लाशा उंजी करबला के मैदान च बिखरिया रह गई। तीन दिन के बाद इन जालिमा ने मुस्तफा दी बेटियां नू कैदन बना लिया। जिहड़ियां फरिश्तियां दी लोरियां ते पलियां सन, होरां जिन्हां दे घर दे कम करके जावन, जालिमा ने उन्हें मुस्तफा दी बेटियां नू कैदी बना लिया। 13 साल उम्र सी इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी करबला दे मैदान च बुखार दे नाल तपदा वजूद सी। कई दिन दी भुख ते प्यास ते कई दिन दा सफर दीआं थकावटां ते पैरां च बेड़ियां पा के ते हत्थां च हथ कड़ियां पा के ना इमाम हुसैन दे सरे अकदस वाला नेज़ा पुत्र दे हाथ च पकड़ा दित्ता। 40 ऊंटां दी कतार दे उत्ते मुस्तफा दीआं बेटियां नू बिठा के कैदी बनाया गया। बाप दे सिर चो खून पुत्र दे चेहरे ते डिगदे, तारीख पढ़ के वेखो इंज दा मंजर ना मिलेगा। 40 ऊंटां दे उत्ते मुस्तफा दीआं जदों बेटियां ते बहुआं नू बिठाया ना, ते काफिला मदीने वालों टुरन लगा ते ओ पिछले ऊंट ते 40वें ऊंट ते हजरत सकीना दे बैठण दी वारी आई। नौजवानों जदों करबला चो काफिला टुरन लगा सी, इहदा ज़ैनब फरमांदीआं, ज़ैनुल आबिदीन मैं ते परदा दार हां, इन्हें यजीदियां नूं ज़ालिमां नूं कह के तुसा सवेर दी साडी कोई नहीं मन्नी, पर एक गल मन लो कि जांदे जांदे मेरे वीर दी लाश दे कोलों गुजरिया जे मैं जांदी वारी वीर नूं मिल जावां, पता नहीं मुड़ आउणा कि नहीं आउणा। ज़ालिम इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी लाश दे जदों करीब तों गुजरे ना ते वेख्या उंजी लाशां करबला दे मैदान च मुस्तफा दे पुत्रां दीआं पईआं ने। सैयद ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ने ऊंट तो थले आके ना इमाम हुसैन दे वजूद अकदस दे ऊपर लेट गई। ज़ैनुल आबिदीन ने अपने पापा दे कदम फड़े तो रोई जा रहे, ओ कैसा मंजर होवेगा, पता नहीं सैयद ज़ारा पाक दी रूह पाक मदीना तैयबा उस वेले किवें तड़पदी होवेगी। नौजवानों मैं देर नहीं पढ़िया, बीबी ज़ैनब के तन पन के, ए बीबी ज़ैनब कैदन बन के, ते शाम वाले जदों चली कब गया सी अरश खुदा दा, नाले कबर रसूल दी हली